वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. आज की क्लासेस में हम रिग्रेशन टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये बहुत आसान टॉपिक है और इजिली आप रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत इजिली आप हैंडल कर पाएंगे और इसमें आप फुल स्कोर कर लेंगे. लेकिन रिग्रेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि रिग्रेशन क्यों है, रिग्रेशन का क्या यूज है. तो सबसे रिग्रेशन का मतलब क्या है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. बच्चे रिग्रेशन बेसिकली किस चीज में यूज आता है, कोरिलेशन में. ये हम पता कर रहे थे कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कितना स्ट्रांग है, रिलेशन की इंटेंसिटी क्या है और रिलेशन किस प्रकार का है, पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है, रिलेशन जो है वो वीक है या दोनों में रिलेशन नहीं है, या दोनों में रिलेशन स्ट्रांग है या हाई डिग्री ऑफ कोरिलेटेड है दोनों. तो वो हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू से समझ पा रहे थे कि रिलेशन कितना स्ट्रांग है, जो कि हमने कोरिलेशन में समझा था. अब रिग्रेशन किस लिए है, कोरिलेशन तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशंस को समझने के लिए है, बट रिग्रेशन किस लिए है. रिग्रेशन में क्या होता है कि आप दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है. तो एक वेरिएबल को आप एक्स कंसिडर कर सकते हैं जो डेटा होगा, दूसरे वेरिएबल जो है उसको आप एज अ वाई कंसिडर कर लीजिए जो उसका डेटा होगा. और आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसे डेटास जहां पर कि एक में कुछ चेंजेस आएगा या एक में कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है. एक में चेंजेस आएंगे दूसरे पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल मैं आपकी स्टडी के नंबर ऑफ आवर्स को एक एक्स कॉलम में ले लेता हूं और आपके मार्क्स को, जो मार्क्स आपके आएंगे उसको मैं वाई कॉलम में कंसिडर कर लेता हूं. तो यहां पर आपके जो स्टडी आवर्स हैं, आप कितना अपने स्टडी को आप कितने घंटे देते हो, इस चीज का इंपैक्ट आपके मार्क्स पर जरूर पड़ेगा. अब ज्यादा आवर्स दे रहे हैं तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, कम आवर्स दे रहे हैं तो आपके मार्क्स कम आएंगे. तो यहां पर आप कितने आवर्स स्टडी को देंगे, कितने घंटे देंगे, ये तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया क्योंकि ये पूरी तरह स्वतंत्र है, आपके ऊपर है. लेकिन इसका आपके मार्क्स आपके कितने आएंगे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि ये डिपेंड किस पर है, आपके आवर्स पर डिपेंड है. तो दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास में, एक एक्स वेरिएबल होता है और एक हमारे पास में वाई वेरिएबल होता है. और उसमें से एक वेरिएबल में अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल किस तरीके से उसमें चेंजेस देखने को मिलता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे. क्लियर है बच्चे? तो आप यहां पर एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट. तो आप अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस रिलेशन को जान के हमारे फायदा क्या है, क्या करेंगे हम कि एक डेटा में इस प्रकार का चेंज करने से, एक डेटा में चेंज आने से दूसरा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इससे क्या फायदा है हमें. तो बच्चे ये फोरकास्टिंग में यूज में आता है, किसी भी चीज की भविष्यवाणी करने में इसका इस्तेमाल में लाया जाता है. आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी है, AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसके अंदर होता क्या है, अगर आप आधा फोटो अगर आप दे दें या फिर आधा हाथ दे दें तो वो कंप्लीट कर देगा पिक. ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं. क्रिकेट मैच में अगर आप देखें तो क्रिकेट मैच में LPW हुआ, अंपायर श्योर नहीं है कैसे है, तो उसने जो है थर्ड अंपायर के पास में कॉल करा, थर्ड अंपायर देखता है कि फिर वहां पे आता है और फिर पता लगता है कि विकेट पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेता है कि भैया ये आउट है या नहीं आउट है. तो बेसिकली एक्चुअल में बॉल आकर के विकेट पे लगी नहीं है. अब वहां पर क्या होता है कि बॉल किस स्पीड से डाला, बॉल का टप्पा कैसे लगा, बॉल कितना बाउंस हुआ, ये सब बॉल किस स्पीड से आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन बॉल कितना बाउंस हुआ ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया उसके स्पीड के अकॉर्डिंग. तो वहां पर हम ये कितना बाउंस होगा इस चीज का अनुमान हम पहले से लगा लेंगे रिग्रेशन की हेल्प से. बट अनुमान तो अनुमान ही होता है, फोरकास्टिंग तो फोरकास्टिंग ही होता है. 100% एक्यूरेट है ऐसा कभी हो नहीं सकता है. फोरकास्टिंग में आप 99% तक जा सकते हैं, चलिए 99.99% तक जा सकते हैं, बट 100% फोरकास्टिंग ट्रू नहीं होता है. तो वो भी बेस्ड ऑन जो है पॉसिबिलिटीज के ऊपर है कि आप कितने इसमें ठीक है. बट मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है रिग्रेशन, जिसकी हेल्प से कि डेटा में चेंज आ रहा है तो दूसरा किस प्रकार से बिहेव करेगा, कैसा चेंज आएगा, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेता है. और उसके बाद हम जब एक चेंज करते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि दूसरा अब क्या इसका स्टेप आने वाला है. एक अगर मैं साधारण सी लैंग्वेज के अंदर बताऊं, जिसका कि मैं स्टार्ट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी समझा देता हूं मैं. दो खास दोस्त हैं, एक अगर स्कूल आता है दूसरा आता है, बहुत बार देखा गया एक नहीं आता था दूसरा भी नहीं आता है. तो आज एक बच्चा स्कूल नहीं आया,
तो दूसरा बच्चा जाहिर सी बात है यही आप अनुमान लगा के बैठ देंगे कि ये भी स्कूल, दूसरा फ्रेंड उसका वो भी नहीं आएगा, क्योंकि पिछले उसके रिलेशंस को उसने ऑब्जर्व कर करके आपने ये डिसीजन में पहुंचे हो। ऐसे रिग्रेशन एक्स और वाई दो वेरिएबल होता है, दोनों के बीच में रिलेशंस को समझ लेता है और समझने के बाद ये फोरकास्टिंग कर देता है कि आगे इसमें चेंजेस किस स्पीड से या किस तरीके के चेंजेस होंगे। तो ये यूज होता है हमारा रिग्रेशन का। क्लियर है बच्चे? चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर रिग्रेशन का डेफिनेशन। आपको मीनिंग समझ में आ गया रिग्रेशन का मीनिंग क्या है। आगे हम बात करते हैं इसमें। अब देखिएगा बच्चे, इक्वेशन आपके पास में होता कैसे है। एक इक्वेशन मैं आपके जैसे कि बनाता हूं। एक होता है एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। अब एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है? हमें रिग्रेशन जो है वो इक्वेशन से डेवलप होता है। अब इक्वेशन से डेवलप हमारे पास में होगा, इक्वेशन क्या हो बेसिकली हो सकता है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये दो हमारे पास में इक्वेशन। इक्वेशन की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली y में अगर मैं चेंजेस करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू ए प्लस बी, y दो रखूंगा तो x इक्वल्स टू ए प्लस टू वाई, y इक्वल्स टू तीन रखूंगा तो ए प्लस थ्री वाई, y की इक्वल्स टू रखूंगा तो इस तरीके से बच्चे 3b सॉरी, अगर मैं यहां पर y की जगह पर एक रख दूं तो क्या x की वैल्यू आएगी, अगर मैं y की जगह पर दो रख दूं तो क्या x की वैल्यू आएगी, y की जगह पर अगर मैं 3 रख दूं तो क्या x की वैल्यू आएगी। तो यहां पर आपके पास में जो ये इक्वेशन मैंने बनाया है ना, तो ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, x ऑन y, मतलब कि x की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, x की वैल्यू डिपेंड करती है y के ऊपर, कि x आपका क्या आएगा ये y पे डिपेंड करता है, इसको हम बोलते हैं x ऑन y। क्लियर है? तो दो तरीके के हमारे पास में दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल x और y में से कोई भी एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट हो सकता है और कोई भी एक वेरिएबल आप पर डिपेंडेंट हो सकता है। अब x ऑन y, तो आपके पास में x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, किसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, आपके पास में x की वैल्यू डिपेंड कर रही है। क्लियर है? तो x equals to a plus b y, x की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, y के ऊपर, तो ये डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और यहां पर आपके पास में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसी तरीके से दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट हो सकता है और एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि y ऑन x। क्लियर है? y डिपेंडेंट है x में चेंज करने से, एक x कॉलम में डेटा दिया हुआ है उसमें चेंजेस आने से y में चेंजेस आता है। तो यहां पर मैं आपका ये इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो दो इक्वेशंस आपके इस तरीके से रहते हैं। अब इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है, आप इस ऑब्वियसली समझते हैं कि इक्वेशन में दो वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी वो आपको पता लग जाता है। तो इसलिए रिग्रेशन के हमें यहां पर इक्वेशन को फाइंड करने की नीड है। अब रिग्रेशन की इक्वेशन को फाइंड करने के दो मेथड्स है हमारे पास में, एक नॉर्मल इक्वेशन है और एक कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है मेथड है। दो तरीके हैं जिससे हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं पहले बात करूंगा फर्स्ट वे का। पहले मैं बच्चे बात करता हूं फर्स्ट वे का। फर्स्ट वे कौन सा हम यहां पे ले रहे हैं, फर्स्ट वे हम ले रहे हैं नॉर्मल इक्वेशन मेथड। कौन सा? नॉर्मल इक्वेशन मेथड। नॉर्मल इक्वेशन मेथड में पहले मैं बात कर लेता हूं, इसमें दो तरीके की बातें, पॉसिबिलिटीज तो दो हैं। हाँ जी, देखिए एक तो है आपके पास में x ऑन y। अब x ऑन y अगर आप निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो आपके पास पे एक दो पॉसिबिलिटीज है x ऑन y अगर फाइंड कर रहे हैं, जहां पर आपके पास में x डिपेंडेंट है, पहला वाला डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसमें आप किस तरीके से निकालेंगे, सिग्मा x इक्वल्स टू
एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। अब देखिए सिग्मा एक्स निकाल रहे हैं आप, तो सिग्मा एक्स में एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर है और प्लस बी मतलब कोई दूसरा कांस्टेंट नंबर है। तो अगर आप एक्स निकाल रहे हैं तो इसके राइट साइड में एक्स यूज होगा ही नहीं, वाई ही यूज होगा बस। और इसमें एक और है कि सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा वाई, क्योंकि एक्स ऑन वाई है ना, तो आपके राइट साइड में सिर्फ वाई ही यूज होगा, राइट में वाई है तो वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, दिस वन। एक ये तरीका आपके पास। और दूसरा आपके पास में ये भी पॉसिबिलिटीज है बच्चे कि आपके पास में आपको निकालना, वो एग्जाम में मेंशन करेगा कि एक्स ऑन वाई निकालना है या फिर वाई ऑन एक्स निकालना है। वाई ऑन एक्स है तो फिर आपके पास में नॉर्मल इक्वेशन अकॉर्डिंग सिग्मा वाई निकलेगा, लेफ्ट वाला कैलकुलेट करोगे आप तो ये एन ए सिमिलर रहेगा आपके पास में, और वाई निकाल रहे तो आपके पास वहां पर सिर्फ एक्स यूज होगा, तो बी सिग्मा एक्स। और यहां पर सिग्मा एक्स और वाई यूज करोगे तो एक्स वाई, ये भी एक्स वाई भी है, लेकिन फर्क क्या है, ये एक्स ऑन वाई है, ये वाई ऑन एक्स है। तो वाई ऑन एक्स में आपके पास में वाई है ना, तो आपके पास में आपके राइट साइड में एक्स है तो सिर्फ एक्स ही यूज होगा, तो ए सिग्मा एक्स प्लस ए सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस वन। क्लियर है बच्चे? साक्षी कह रहे डिस्पर्जन सर करवा दीजिए, डिस्पर्जन भी आपका हो जाएगा, उतना कोई खास यूज है नहीं, लेकिन जब मैंने कोरिलेशन पढ़ाया था तो कोरिलेशन में मैंने डिस्पर्जन के बारे में मैंने बताया भी था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर, जितना यूज था। अब बाकी डिस्पर्जन इसको खत्म होने दीजिए, इसके बाद फिर आपका मैं टॉपिक ले लेता हूँ डिस्पर्जन का और जो भी दो टॉपिक है। अब मैं रिग्रेशन के बीच में, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में मैं डिस्पर्जन नहीं डालना चाहूंगा, सब होगा आपका ए टू जेड। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आ गया? तो ये मेरे पास में आज की क्लासेस में नॉर्मल इक्वेशन मेथड का यूज करूंगा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए। रिग्रेशन इक्वेशन बेसिकली क्या बताएगा, एक फोरकास्टिंग बताएगा आपको कि एक चीज में अगर ये आ गया दूसरा क्या होगा, वो आपको एक चीज से पता लग जाएगा दूसरे के बारे में। तो वो इक्वेशन कैसे पता निकालेंगे, तो इक्वेशन का फॉर्मूला तो आपके पास में एक्स ऑन वाई है, तो यहां पर आपके पास में इक्वेशन का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एक्स ऑन वाई पे आप एक्स ऑन वाई है तो आप यहां पर एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास में वाई ऑन एक्स है तो आपके पास में फाइनल इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल्स टू एक्स, तो वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, दिस वन। तो आपके पास पे मेजर फॉर्मूला ये हो गया। ये बात समझ पाए आप? ये चीज समझ पाए कि एक्स ऑन वाई का ये है और y on x का y equals to a plus bx, this one। और यहां पर आपके पास में आप क्वेश्चन तो चलो समझ में आ गया कि भैया x on y होगा तो मैं समझ में आ गया कि x equals to a plus by। तो अब यहां पर x और y तो फिक्सेस के लिए कोई वैल्यू रिप्लेस होगी नहीं, a और b की वैल्यू रिप्लेस होगी, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये एक इक्वेशन है इसके थ्रू आप a की वैल्यू निकाल लोगे और आप यहां पर b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a और b की वैल्यू आप इसी इक्वेशन के थ्रू आप निकाल पाएंगे। क्लियर है बच्चे? कैसे, एक क्वेश्चन को करके देखते हैं जरा, मैंने वही बातें लिख दी हैं, आपको उसको समझना होगा आपको बस। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन मेथड। कौन सा, नॉर्मल इक्वेशन। समझना है आपको इस चीज को। तो नॉर्मल इक्वेशन मेथड एक्स ऑन वाई निकालना है आपको, तो पहले मैं इसका लिख देते हैं। देखिएगा एक्स ऑन वाई ये निकाल रहे हैं आप, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। अब एक्स ऑन वाई है तो इसके जो है नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे, नॉर्मल इक्वेशंस इसके आपके पास में होंगे, नॉर्मल इक्वेशन की बात करता हूं मैं, तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू
आपके पास में ए सिग्मा वाई, क्योंकि राइट साइड में वाई है ना, एक्स ऑन वाई, तो वाई यूज होगा, प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, दिस वन, ये इसका इक्वेशन है। अब मुझे चाहिए क्या, एन तो मुझे खैर मालूम ही है क्या है, फाइव आइटम्स है, क्लियर है, और मुझे क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मुझे एक तो एन पता है, एन इक्वल्स टू फाइव, ठीक है बच्चे, और दूसरी बात मुझे क्या चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, तो सिग्मा वाई तो मैं ले ही सकता हूं, सिग्मा वाई इक्वल्स टू, सिग्मा वाई सॉल्व करते हैं, दो पांच सात, सात और तीन दस, दस और आठ अट्ठारह, अट्ठारह और आपके पास में सात पच्चीस, और क्या चाहिए आपको सिग्मा वाई के बाद, सिग्मा एक्स चाहिए, तो सिग्मा एक्स भी आप ले सकते हैं, एक और ये दो तीन, तीन और तीन छह, चार दस पांच पंद्रह, और हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई आ गया और हमें हमारे चाहिए एक्स और वाई, तो हम यहां पे क्या करेंगे एक्स और वाई, तो टू टेन नाइन बत्तीस पैंतीस, क्लियर है, थोड़ा सा इधर हो गया, टू टेन नाइन बत्तीस पैंतीस, चलिए ये आपके पास में एक्स और वाई है, क्या ये एक्स और वाई, तो ऐड करेंगे तो दो नौ ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह, तेरह और पांच अट्ठारह, एक एक और एक दो, दो और तीन पांच, पांच और तीन आठ, समझ गया मैं सिग्मा एक्स और वाई। अब सिग्मा एक्स और वाई भी मेरे पास में यहां पर आ चुका है, एन आ गया है, अब देखिए क्या क्या चीज आगे मैं लिखता रह रहा हूं कि मेरे पास में सिग्मा एक्स भी है पंद्रह, सिग्मा वाई है मेरे पास में ट्वेंटी फाइव, सिग्मा एक्स और वाई मेरे पास में है 88, और क्या चाहिए, और मुझे चाहिए यहां पर सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर चाहिए, तो वाई का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, दिस वन, तो चार पच्चीस नौ चौसठ उनचास, दस वन, तो चार और पांच नौ और अठारह, अठारह चार बाईस, बाईस और नौ इकतीस, तीन पांच और छह ग्यारह, और ग्यारह चार पंद्रह एक सौ इक्यावन, तो आपके पास में सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 151। अब आपके पास में दो इक्वेशंस हैं, ठीक है बच्चे, दो इक्वेशन कौन कौन से हैं, फर्स्ट फर्स्ट में अप्लाई कर दूं मैं, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स क्या है मेरे पास है 15 प्लस एन, एन क्या है पांच, और ए ए पता नहीं क्या है, और बी बी पता नहीं क्या, सिग्मा वाई क्या है 25, तो सॉल्व करते हैं 15 इक्वल्स टू 5 ए प्लस 25 बी, एक इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन और एक कैलकुलेट, एक और इक्वेशन हम निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई क्या है मेरे पास में 88 इक्वल्स टू ए पता नहीं क्या है, सिग्मा वाई जरूर पता है मुझे क्या है 25 प्लस बी पता नहीं, और सिग्मा वाई स्क्वायर जरूर मुझे मालूम है कितना है 151, तो आप सॉल्व करेंगे तो 88 इक्वल्स टू 25 ए प्लस 151 बी, दिस वन। अब टू वेरिएबल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, चूंकि आपको अच्छे से आता भी है, टू वेरिएबल इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास में 5a प्लस 25b इक्वल्स टू 15, और एक हमारे पास में 25a प्लस 151b इक्वल्स टू 88। हाँ जी सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास में क्या है, ये 25a है, तो सबको मैं क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है 5 से सॉल्व करेंगे 25a प्लस 10b, तो ये हमारे पास में 75, क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि मैंने क्या करा एक वेरिएबल, टू वेरिएबल इक्वेशन आप सॉल्व करना आपको आता है कि कोई एक कोएफिशिएंट को आप सेम कर दो, यहां पे 25a है ये 5 है, तो इसको 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको नहीं करा एक को ही करा मैंने, ठीक है बस इसको कर दिया इक्वल हो गया।
अब सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और माइनस कर देते हैं, ये तो कैंसिल। अब ये क्या आया, 141 बी इक्वल्स टू आपका 75, 88 में 75 गया 5 और 8 13, एंड बी इक्वल्स टू 13/141, एंड बी की वैल्यू क्या आई आपके पास में, टू बी, गड़बड़ कर दी भैया, 25, पच्चीस बी होगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5a प्लस 25b इक्वल्स टू 15, यहां पर दूसरा क्या है, 25a इक्वल्स टू 151, b इक्वल्स टू 88। अब मुझे किसी भी एक कोफिशिएंट का वेरिएबल सेम करना है, तो ये 25 है, इसको 25 बनाने के लिए बस 5 से गुणा कर देता हूं, लेफ्ट राइट दोनों कर दूंगा, इंपैक्ट नहीं रहेगा, तो क्या बन गया ये बन जाएगा 25a प्लस 50b, सॉरी 50 नहीं 125, 25, 125 बी 75। अब साइन चेंज कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो कट गया हमारे पास में, अब 151 में से 125 किया तो आपके पास में 25 और ये 26 बी, और यहां पर आपके पास में 13, और बी इक्वल्स टू क्या है 0.5। अब इस बी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपका दिल करे। इक्वेशन क्या है हमारे पास में, हमारे पास में इक्वेशन है, एक इक्वेशन कौन सा है, 5a प्लस 25b 0.5 इक्वल्स टू 15, तो 5a इक्वल्स टू 12.5 इक्वल्स टू 15, 5a इक्वल्स टू 2.5 एंड a इक्वल्स टू 2.5 1/2, 0.5 ये भी आया आपका, a की वैल्यू भी 0.5 आई है, क्लियर है बच्चे, तो ए और बी दोनों ही वैल्यू आई है। अब आप अपने इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे आप, आपका बेसिक और मेन इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ठीक है, एक्स क्या है आपके पास में नहीं पता, ए क्या है 0.5, बी क्या है 0.5, तो आपके पास में इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 0.5 वाई इक्वल्स टू 0.5 या फिर एक्स इक्वल्स टू दिस, ये कह सकते हो, ये आपके पास में इसकी इक्वेशन की वैल्यू आ गई, क्लियर है बच्चे, समझ गए, कल भी आपकी क्लास होगी, अभी तो क्लास कंटिन्यू है, ये पहले समझ में आया आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर द फॉलोइंग डाटा, आल्सो द एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए, चलिए एस्टिमेट ही होगा इसमें वैल्यू को, एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी आएगी, चलिए पहले फाइनल इक्वेशन फाइंड कर लो, एक्स की जगह 10 रख देना, हमारे वाई की वैल्यू आ जाएगी, करो जरा इस क्वेश्चन को, हेलो डन, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास में, आपके पास में एक क्वेश्चन है, ज्यादा इस पे कॉलम आपको बनाना नहीं है, एक एक्स है एक वाई है, तो एक एक्स और वाई का बनता है आपको पता है, और एक आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का बनता है,
देखिए तो ये हमारे पास में क्या है एक्स वाई, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें y ऑन x, तो y ऑन x का मेन इक्वेशन क्या होगा y इक्वल्स टू a प्लस बी x, दिस वन क्लियर है बच्चे। अब इसके अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन की बात करूं तो नॉर्मल इक्वेशन दो तरीके के देखने को मिलेंगे। पहला इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा आपके पास में सिग्मा y इक्वल्स टू n a, क्योंकि आप y निकाल रहे हैं ना ऑन x, तो आप x होगा प्लस b सिग्मा x, एक इक्वेशन ये होगा और एक इक्वेशन आपके पास में होगा सिग्मा x y इक्वल्स टू आपके पास में a y ऑन x, तो सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, दिस वन दो इक्वेशन होगा। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले बेसिक रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं। y on x equals to y equals to a plus b x, ठीक है बच्चे। ये चलिए पढ़ते हैं सिग्मा x, एक दो तीन, तीन छह छह दस पांच पंद्रह, सिग्मा y नौ नौ अठारह और दो बीस और एक इक्कीस और दो तीन चार पांच 51, सिग्मा y 51 आया, नौ नौ अठारह अठारह दस अट्ठाईस, सॉरी नौ नौ अठारह अठारह और दो बीस और एक इक्कीस का एक हासिल, दो 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 तीन, दो एक तीन और एक चार एक पांच 51। अब आपके पास अलग कॉलम है ना 10। अब आपके पास में यहां पर एक्स वाई, एक्स वाई क्या है हमारे पास में 9 18 30 48 एंड 55, तो x और y क्या आ जाएगा 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30 और 3 एक 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16। और आपके पास और किसकी रिक्वायरमेंट है आपको x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो एक दो का स्क्वायर 0 4, तीन का स्क्वायर 0 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, पांच और आपके पास पे 9 14, 14 और 6 20 और 5 25, दो और तीन दो पांच 55, पांच और 9 14 और 6 20 और 5 25 का पांच, दो और एक तीन और दो पांच, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज को रिप्लेस करने की बारी है। समीशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई क्या है हमारे पास में 51 इक्वल्स टू एन, हमारे पास में 5 है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू हमें नहीं पता, बट सिग्मा एक्स हमें जरूर पता है कितना है 15 है। तो इक्वेशन हमारा क्या बना 5 ए प्लस 15 बी इक्वल्स टू 51, दिस वन इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन टू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये है। तो सिग्मा एक्स वाई क्या है हमारे पास में 160 इक्वल्स टू ए, ए हमें नहीं पता बट सिग्मा एक्स हमें जरूर पता है कि 15 है, और प्लस बी हमें नहीं पता बट सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें जरूर मालूम है 55 है। तो सॉल्व करेंगे तो 15 ए प्लस 55 बी इक्वल्स टू 160। दूसरा हाँ जी, अब यहां पर देखें आप सवाल को, 5a 15b इक्वल्स टू 51 आपके पास में, और यहां पर आपके पास है 15a प्लस 55b इक्वल्स टू 160, दिस वन आपको एक कोएफिशिएंट एक करना है, इसको 15 बना सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय 3 से कर दोगे, तो जरूरी नहीं इंटरचेंज करना, बस बराबर होना चाहिए। तो क्या जाएगा आपके पास में 15 ए प्लस 45 बी इक्वल्स टू 103, साइन चेंज कर दीजिए,
तो ये कट गया आपका, आपके पास में 10B equals to 160 में से 103, 57 and B equals to 5.7. क्लियर है बच्चे? सिग्मा वाई 52 है, देख लेते हैं. नो 18 दो 20 और 21 का एक. नो 18 और दो 20 और 21 का एक और दो दो और एक 3 4 5 51 ही है बच्चे. हाँ 100-150 होगा ना, यहां गड़बड़ कर रही है. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150 और 153. तो सॉल्व करेंगे तो 10B इक्वल्स टू 160 में से 53 गया तो आपके पास में क्या आएगा, 7 एंड B इक्वल्स टू 0.7. अब B की वैल्यू रख दो आप A में, एक किसी क्वेश्चन 5A प्लस 15 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 51. सॉल्व करेंगे 5A प्लस 15 इंटू 0.7 10.5 इक्वल्स टू 51 एंड 5A इक्वल्स टू 51 माइनस 10.5 5A equals to 40.5 and A equals to 40.5 upon 5, 8.1. क्लियर है बच्चे? अब अपनी वैल्यूज को आप बस रिप्लेस करने का काम आपका रह गया है और इसमें आप वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, Y equals to A. A क्या है आपका, 8.1 प्लस बी क्या आपके पास में 0.7 वाई. दिस अब कह रहा है कि आपको एस्टिमेशन वैल्यू निकालनी है व्हेन वाई वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 10. तो अब एक्स की वैल्यू क्या आपके पास में, एक्स की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू आप 10 करेंगे तो वाई इक्वल्स टू 8.1 प्लस 0.7 इंटू 10 इक्वल्स टू 8.1 प्लस 7 एंड वाई इक्वल्स टू 15.1. तो y क्या आ जाएगा, 15.1 आ जाएगा. क्लियर है बच्चे? समझ गए? तो आज की क्लास में इतना रखते हैं. नेक्स्ट क्लासेस में अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. तो उसमें 3 मेथड्स हैं, उसका खत्म हो जाएगा. 2 से 3 क्लासेस के अंदर हम इस टॉपिक खत्म करके डिस्पर्शन पे आ जाएंगे. क्लियर है? तो मिलते हैं बच्चे फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में. 2 से 3 क्लासेस लेंगे, रिग्रेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर आपका जो कह रहे हो डिस्पर्शन, जो एक दो टॉपिक कह रहे हो उस टॉपिक को हम लेकर के तो उसको भी वाइंड अप करेंगे. मात्र हमारे 2 यूनिट बचेंगे फिर, एक आपका टाइम सीरीज बचेगा, एक आपका प्रायिकता बचेगा. मात्र 2 यूनिट, दोनों यूनिट छोटे, उसको फिर हम इजीली हैंडल करेंगे. लेकिन समय आ चुका है कि आप 10 ईयर से पढ़े. आपको मैंने बिजनेस स्ट्रेटजी का मास्टर प्लान बता दिया है, उसको कैसे यूज करना है वो आपको बता दिया मैंने. प्रैक्टिस आपके हाथ में है, सिर्फ आप शिव दास का 10 ईयर फॉलो करके आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. तो मास्टर प्लान को देखते हुए अपनी प्रैक्टिस को कीजिए. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.